और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फॉर टुडेज़ वीडियो वी आर गोना बी डूइंग समथिंग दैट यू गाइस एब्सोल्युटली लव एंड आई रियलाइज दैट इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई डिड अ लिपस्टिक वीडियो एंड मोस्ट ऑफ यू आर हेयर फॉर माई लिपस्टिक्स वीडियो रिकमेंडेशन द लिप कॉम्बोज। मोस्ट ऑफ यू हैव सब्सक्राइब फॉर दैट एंड यू गाइस एब्सोल्युटली लव माई लिपस्टिक कॉम्बोज कलेक्शन एंड एवरीथिंग। एंड इट्स बीन अ व्हाइल, इट्स बीन ऑलमोस्ट वन ईयर कि मैंने अपना अपडेटेड न्यूड लिपस्टिक फेवरेट्स आपके साथ शेयर नहीं किए हैं। ऐसे वीडियोस मैं पहले बहुत करती थी, लाइक काफी बार मैंने अपने न्यूड लिपस्टिक्स, टॉप 20 न्यूड लिपस्टिक्स, टॉप 10 न्यूड लिपस्टिक्स आपके साथ शेयर किए हैं। बट आई डोंट नो इट्स बीन अ व्हाइल मैंने क्यों आपके साथ शेयर नहीं किया, बट दैट्स ग्रेट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ माई फेवरेट्स राइट नाउ जो मैंने आपके साथ पहले शायद नहीं शेयर किए होंगे किसी वीडियो में। हाँ, एक एक करके आप डेफिनेटली अगर मुझे फॉलो करते हो तो आपने ये लिपस्टिक्स मेरी वीडियोस में देखी होंगी, बट पर्टिकुलरली आज मैं वो सारे शेड्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दैट आई हैव बीन एब्सोल्युटली लविंग। दिस इज गोना बी अपडेटेड कलेक्शन बिकॉज ये सारी लिपस्टिक्स मैंने शायद पुरानी वीडियोज में नहीं दिखाई होंगी आपको। ये नई नई देखने को मिलेंगी, इसमें से काफी सारी नई लिपस्टिक्स, कुछ होंगी मे बी जो पहले की भी मेरी फेवरेट है, बट मोस्ट ऑफ देम आर न्यू एडिशन टू माई कलेक्शन दैट आई हैव बीन एब्सोल्युटली लविंग। एंड ऑल्सो माई टेस्ट हैज ऑल्सो चेंज्ड लाइक इन टू न्यूड लिपस्टिक्स। नाउ I am more into pale, very neutral, very 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 nude shade choice. इसका ये मतलब नहीं है कि आपको आज की वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा। आपका कोई भी स्किन टोन हो, फेयर, मीडियम, डस्की, आपको हर टाइप का कोई ना कोई शेड इस वीडियो में ऐसा जरूर मिल जाएगा जो आपकी स्किन टोन के लिए एक परफेक्ट न्यूड शेड होगा। सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आपको बहुत सारे अच्छे पिक्स एंड फाइंड्स मिल जाएंगे आज की वीडियो में। इन सभी का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट्स अ मिक्स ऑफ हाई एंड एंड अफोर्डेबल, वेरी अफोर्डेबल ऑल काइंड ऑफ लिप्स that I'm absolutely loving and I really hope that you enjoy watching this video. Grab something, this is gonna be a long video and without further ado let's quickly dive in. The first shade is from Charlotte Tilbury and this is the lipstick that I have wore the most like from the past few months. ek ye aur ek aur lipstick hai jo back to back main sirf ye lipsticks use kar rahi hu and I'm obsessed literally with the shade. This is the original one in the shade Pillow Talk and this is a very light shade. This is considered to be really light shade. This is how it looks like and lips pe bhi kafi ज़्यादा लाइट लगता है, काफी ज्यादा पेल सा न्यूड शेड लगता है, बट वंस यू अप्लाई इट विथ अ लिप लाइनर दिस चेंजेस द गेम। दिस लुक सो सो गुड। आई ऑलवेज लाइक टू पेयर इट विथ अ नाइस लाइक डार्क ब्राउन लिप लाइनर एंड इट एक्चुअली चेंजेस द गेम। द वे इट लुक्स इज सो गुड। द फॉर्मूला इज रियली कंफर्टेबल एंड इट्स ऑलमोस्ट विथ ऑल द न्यूड लिपस्टिक्स जो मुझे पसंद है, या फिर आप भी अगर आपको भी कोई भी न्यूड लिपस्टिक पसंद है बट यू आर लाइक ये मुझे तो वॉश आउट कर रही है, यू नीड दैट परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर। एंड अगर आपने एक बार अपनी स्किन टोन के हिसाब से परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर चूज कर लिया ना तो आपकी सारी लिपस्टिक, आई मीन सारी जितनी भी लाइट शेड हो, जितना भी लाइट शेड हो, इट इज गोना लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग ऑन योर स्किन टोन। सो जस्ट द टास्क इज टू गेट द परफेक्ट ब्राउन लिप लाइनर। मैं कुछ अच्छे ब्राउन लिप लाइनर्स जो एक्चुअल में मेरे फेवरेट हैं उनका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शेड्स वगैरह भी मेंशन कर दूंगी, यू कैन लुक आउट फॉर एनी ऑफ देम, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कोई है तो उसके साथ आप ये कंबाइन करो। द फॉर्मूला इज Chef's kiss, top notch. It's just so comfortable, so creamy. You can see for your own. It doesn't, you know, it's that not very matte lipstick. थोड़ी सी sheen रहती है, थोड़ी बार transfer होने के बाद थोड़ी matte हो जाती है. It's not extremely long lasting, but I do not mind it. You can easily retouch it. It's so creamy. It looks very luxe. All over feel of this lipstick is so luxe. Now this is not your regular lip shade. It's a cool tone pink color, which is very difficult to find. It's not पॉसिबल, बहुत लोगों ने बहुत सारे ड्यूप्स दिखाए इस लिपस्टिक के, बट आई थिंक नथिंग कम्स क्लोज टू दिस वन। द पिलो टॉक ओरिजिनल वेरियंट इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, इज सो 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 गुड। ओके, द नेक्स्ट शेड दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किए ना दो शेड, उसमें से दूसरा वाला है ये वाला फ्रॉम मैक। दिस इज मैक लॉक्ड किस इंक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई होप इट्स इन फोकस। या दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक एंड दिस इज इन द शेड मिसचीफ। दिस इज अ ब्यूटिफुल पिंकी कूल टोन पिंक कलर एंड इट हैज स्लाइट हिंट ऑफ पीचेस इन टू इट। दिस इज हाउ दिस शेड लुक लाइक। नाउ दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल लॉन्ग लास्टिंग फॉर्मुलेशन। इट्स अ प्रॉपर लिक्विड लिपस्टिक दैट फील्स रियली लाइट ऑन द लिप्स। आई मीन यू डू नॉट फील हैवी एंड इट डज नॉट ड्राई आउट योर लिप्स एट ऑल। दिस इज अ लिपस्टिक दैट आई रियली लाइक टू वेयर फॉर पार्टीज एंड फंक्शंस। मुझे उसके लिए लिपस्टिक फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा लगता है बिकॉज यू डू नॉट हैव टू रीटच और रीअप्लाई। इट इज
इट स्टेज एंड ऑल्सो दिस लुक्स गुड एज इट इज ऑन मी. लाइनर के साथ, ब्राउन लिप लाइनर के साथ और भी ज्यादा अच्छी लगती है. इफ यू वॉन्ट आप लिप लाइनर के साथ भी यूज कर सकते हो. ऑन इट्स ओन दिस इज ऑल्सो प्रिटी प्रिटी शेड दैट आई रियली लाइक एंड द फॉर्मुला ऑल्सो इज समथिंग दैट इज एब्सोल्यूटली स्टनिंग. ऑनेस्टली बोलू ना तो वार्म टोन शेड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अफोर्डेबल लिपस्टिक्स में, वेरी अफोर्डेबल लिपस्टिक्स. बट कूल टोन शेड्स जो मुझे लगता है सिर्फ हाई एंड लिपस्टिक्स में ही अवेलेबल रहते हैं. सो दिस इज वन सच शेड दैट आई रियली रियली लाइक स्पेसिफिकली फॉर पार्टीज एंड फंक्शंस बिकॉज ये आपके हर मेकअप लुक पे, लाइक ऑलमोस्ट हर मेकअप लुक पे चला जाता है. इफ यू आर इवन मीडियम टू डस्की ना, ब्राउन लिप लाइनर के साथ दिस इज गोना बी अ ब्यूटीफुल न्यूड शेड ऑन योर स्किन टोन. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव अनदर मैक लिपस्टिक. नाउ दिस इज, आई लव मैक लिपस्टिक्स. नाउ एक और शेड, एक्चुअली एक दो शेड्स और हैं फ्रॉम द सेम रेंज दैट आई रियली लाइक. एक तो ये, एक महर, एक वेलवेट टेडी, एक टोप, काफी सारे शेड्स हैं बट मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ जो मुझे अभी करंटली बहुत पसंद आ रहे हैं. नाउ दिस इज इन द शेड हनी लव. जब मैं शेड को देखती हूँ ना, दिस लुक्स सो डल, सो पेल एंड दिस मेक्स मी लुक डेड, लिटरली डेड. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. सो बिना लिप लाइनर के दिस इज लाइक सो पेल, सो डल. आई कैन नॉट put it on without the lip liner, but with the lip liner this looks so stunning. It just contours and defines my lip, the lip liner, and then this lipstick just looks so perfect. ek to ye bahut hi acha पिंकिश न्यूड शेड है बट इट्स ऑन द कूलर साइड. अगेन जो कूल टोन शेड्स होते हैं दैट रियली लिटरली हैव माई हार्ट. सो यू कैन सी फॉर योर ओन द लाइक द अंडरटोन्स ऑफ दिस लिपस्टिक इज रियली कूल एंड लुक्स रियली रियली गुड ऑन माई लिप्स. द फॉर्मुला इज रियली कंफर्टेबल. दे आर मैट बट दे डू ट्रांसफर स्लाइटली बट इट्स रियली ईजी टू रीअप्लाई दैम. द मैट लिपस्टिक्स हैव दिस अमेजिंग फॉर्मुला विच इज लाइक popular for ages now, so nothing to complain about it. Definitely आप retouch कर सकते हो. But I'm so so in love with this shade. I mean, look at that. Look at how beautiful that looks with any smoky eye makeup, brown, you know, a smoky eye or anything like that. This is gonna this is gonna be that you need. But other than that, मुझे भी एक basic makeup look पे भी एक nude lip combo is something that I always look for, and this is out of this world, so good. Okay, I swear this is the last one from the MAC. Now this is the OG, the very famous Meher. Now this is a very popular lipstick jo sab log, even celebrities, a lot of people talk about this lipstick, and it is for a reason because it looks beautiful on every skin tone. I don't know how, but this lipstick is something that I actually really like a lot. It's a beautiful pink shade but undertones of mauve. This is how this shade look like, and there's something about this lipstick that this is very very famous, this and Ruby Woo from MAC. This is a very neutral nude pinkish sort of a nude shade that looks so flattering on all the Indian skin tones. This is something that I would highly recommend agar aap koi bhi skin tone ki ho, if you want that perfect nude pink shade jo aapko kabhi bhi wash out na kare, this is something that you can definitely grab. And you know what's the best part is ki ye bina makeup ke bhi bahut zyada sundar lagti hai, like bare face bhi aap isko definitely apply kar sakte ho, ye aapko wash out to nahi karegi. Okay, next up I have this lipstick from Nykaa. Now this is one of my absolute favorite shade for रियली लॉन्ग टाइम नाउ. बहुत टाइम पहले से मुझे ये पसंद है एंड आई स्टिल लव दिस शेड अ लॉट. इट्स अ ब्यूटिफुल मॉवी टोन शेड विथ अंडर टोन्स ऑफ ब्राउन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. आई थिंक इट लुक्स सो गुड ऑन ऑल द स्किन टोन्स एंड द फॉर्मुलेशन इज जस्ट सो क्रीमी एंड लक्स एंड इट डज नॉट ड्राई आउट योर लिप्स एट ऑल. एंड ये बिना लिप लाइनर के ऑन इट्स ओन काफी ज्यादा अच्छा लगता है. अनदर शेड जो आप बिना मेकअप के अप्लाई कर सकते हो, आपको वॉश आउट नहीं करेगा. द फॉर्मुला इज सो रिच एंड क्रीमी, यू कैन डेफिनेटली अप्लाई इट डेली. दिस इज समथिंग that I would recommend to all the college office going girlies because this is not gonna dry out lips out. आप इसको apply कर सकते हो, easily detouch कर सकते हो, and then this is really affordable also. ये entire range में आपको काफी अच्छे अच्छे और भी shades मिल जाएंगे, but this is a shade that will suit all the Indian skin tones in my opinion. Looks really good and I think बिना makeup के भी सारे outfit वगैरह colors पे बहुत बहुत सुंदर लगता है. It's that perfect everyday nude shade. Next up I have this lipstick from Love Child from Masaba. This is in the shade 04 Caramel. Now this is again a very pretty nude pinkish brown shade. This is how it looks like. Now this is a very subjective lipstick. अगर आपका skin tone थोड़ा सा fair side पे है तो ये आपको proper pink brown tone lipstick लगेगी. अगर आपका skin tone थोड़ा सा medium like side पे, medium dusky, तो ये आपको brown nude shade लगेगा. I hope that you understand कि nude lipstick थोड़ी सी subjective होती है. अगर आपका skin tone change होगा तो lipstick का color भी थोड़ा सा अलग लगता है आपके ऊपर. So otherwise the formulation is really really good. Again something that feels luxe. It's not very long lasting. It's not extremely matte.
ऐसे थोड़ा सा ट्रांसफर होता रहता है ये, बट यू कैन डेफिनेटली रीटच एंड रीअप्लाइड, इट गिव्स अ वेरी लक्स फील, यू कैन सी फॉर योर ओन, जो उसकी जो ऐसी जो लक्स वाली ऊपर से जो शाइनी थोड़ी सी रहती है ना, वो एक लक्स फील देती है, बट स्टिल दीज आर मैट, ये हुआ शार्लोट टिल्बरी हुआ, दे आर मैट, दे डू स्टे फॉर रियली लॉन्ग, बट यू डेफिनेटली हैव टू, लिक्विड लिपस्टिक जितना लॉन्ग लास्ट नहीं करती है, बट द शेड इज समथिंग दैट इज absolutely amazing that has my heart and you should definitely try it if you want a nice nude shade that's creamy like the same as Charlotte Tilbury one but aapko utna light shade nahi chahiye ya fir aapko utna spend nahi karna hai, this is something that you can go for. Okay, the next shade I have is this one from the brand NYX. Now this is their powder puff lippy and this is how this shade look like. This is in the shade, I hope you can see it, yeah, this is in the shade Cool Intentions. Now this is a very pretty nude brown shade, I love the formulation, it's a velvety sort of a लिपस्टिक जो कि थोड़ी देर बाद मैट हो जाती है एंड देन ट्रांसफर नहीं होती है. आई मीन लुक एट द शेड, लुक एट दैट ब्यूटिफुल शेड, आई एम जस्ट सो इन लव, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू कॉल अ न्यूड ब्राउन शेड विथ कूल अंडरटोन्स, दिस लुक सो गुड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन. आई डोंट थिंक ज्यादा डस्की स्किन टोन पे ये शो अप होगा, बट दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग, जो कि काफी ज्यादा लाइट भी नहीं है कि आपको वॉश आउट कर जाए, बट स्टिल इट लुक्स सो गुड एंड द फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो बैंग ऑन, डेफिनेटली हाईली रिकमेंडेड, काफी सारे शेड्स हैं इस रेंज में जो आप ट्राई कर सकते हो, एंड ऑनेस्टली इस टाइप के शेड्स ना अफोर्डेबल कैटेगरी में इज वेरी रेयर टू फाइंड. ओके, नेक्स्ट अप आई हैव दिस वन फ्रॉम मिस क्लेयर. नाउ ये इस पूरे वीडियो में आई थिंक सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली अफोर्डेबल लिपस्टिक होगी, बट इसका फॉर्मुलेशन उतना ही ज्यादा लक्स है, दिस इज हाउ द शेड लुक लाइक एंड इट लुक्स सो सो गुड. आई डोंट थिंक that you need a brown lip liner with this one, but अगर आपको थोड़ा भी wash out करती है तो आप brown lip liner के साथ भी लगा सकते हो. It's very 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 creamy and pigmented. This is how the swatch look like. It's a perfect balance of peach, pink and brown. It looks so good on all the skin tones. Even if you have very dusky skin tone with lip liner, you are gonna nail this shade. Again, एक ऐसा shade जो affordable category में ढूंढना is just so impossible. It's for around 200 rupees. आपको 170-180 rupees की मिल जाएगी, and this formulation. Chef's kiss. It has my heart. It's so long lasting. It's matte. एक time बाद set हो जाती है, transfer proof हो जाती है, but ये बिल्कुल भी dry out नहीं करती आपके lips को. I haven't seen such formulation in this price range. Trust me, मैंने बहुत सारी lipsticks try की हैं, from Swiss Beauty to you know Mars to a lot of brands, but जितनी long lasting ये है वो भी होती है, बट वो lips को anyhow कहीं ना कहीं कोई lipstick या dry out कर देती है, या वो उतनी long lasting नहीं होती है, या फिर उसके में shades अच्छे नहीं होते हैं. इसका shade, formulation सब कुछ बहुत bang on है, even last for really long time. If you go like office, college and you want something which is very affordable, but the shade that actually you won't trust me, this is my second repurchase. Ek mujhse kahin kho gaya tha. I used to carry it in my bag jab mujhe bahut achhi lagti thi, and then I lost it somewhere and I repurchased it. I really like it so much. Okay, next up I have this lipstick from Kiro, again something from the affordable category. This is how it looks like. Now this is in the shade Cinnamon Nude, which is I think their most popular shade, and bahut time se soch rahi thi main is lipstick ko kharidne ka, but I was like ki shayad मेरे लिए एकदम परफेक्ट शेड नहीं होगा. जब ये आया ना, I was slightly disappointed because मुझे ये थोड़ा सा डार्क लगा फॉर माई लाइकिंग, although it's a very light nude shade, if I may say so. इट्स वेरी लाइट शेड, दिस इज हाउ दिस शेड लुक लाइक, काफी लाइट है, बट मेरी लाइकिंग के हिसाब से मुझे थोड़ा डार्क लगा, बट जब मैंने इसको एक दो बार यूज किया, आई लव द फॉर्मुलेशन, दे फील लाइक सो एरी एंड सो लाइट वेट ऑन द लिप्स, द फॉर्मुला इज लॉन्ग लास्टिंग ऑल्सो, कंफर्टेबल ऑन द लिप्स ऑल्सो एंड डज नॉट ड्राई आउट योर लिप्स, दैट इज समथिंग आई रियली रियली लाइक. सो या, दिस इज समथिंग दैट मुझे लगा कि हाँ, द फॉर्मुलेशन इज गुड, द शेड ऑल्सो समटाइम्स लुक रियली गुड, बट जब मुझे ज्यादा पेल लिपस्टिक का मन होता है तब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई प्रीफर, बट इफ यू हैव मीडियम स्किन टोन ना, लाइक medium or dusky skin tone, this is gonna be that perfect nude brown shade, because this has slight bit of cool undertones, thoda sa cool sa undertone hai isme, and it also looks really really good. It looks the, you know, the matte finish it gives, no, it's very comfortable, it does not settle into your lines or something like that. Wo bada bura lagta hai mujhe koi matte lipstick jab aapki lines mein, lip lines mein settle ho jati hai. You see the finish, the color, everything looks so good, and also is range mein aapko kafi acche acche shades bhi mil jayenge if in case you do not want to buy particularly this one, but I think this is something जो काफी सारे स्किन टोन के लोगों पे काफी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट अप आई हैव माय अनदर ऑब्सेशन, लिटरली ये भी मुझे बहुत 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 अच्छी लग रही है आजकल, मैं इसको काफी यूज कर रही हूँ. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड इत्युदे हाउस एंड दिस इज इन fixing tint, basically this is a fixing tint and this is in the shade dusty beige. Now I recommended you guys, I think maine kisi favorites mein share kiya tha and kafi sare logon ne isko purchase kiya, unhone ye bahut zyada pasand aayi, I am so glad, and I love the formula of this, the shade is so so pretty, it has this nice
pink tone shade but cool undertones. Again, cool undertones is my obsession. This is how this shade look like. It's a beautiful pink shade with little bit of undertones of mauve. It looks so good. I don't know why they have called it a tint, because this is a full fledged lipstick. The shade looks so pretty. And abhi maine isko bina lip liner ke saath laga rakha hai, but I think sometimes bina lip liner ke bhi theek lagta hai, but kabhi kabhi lip liner ke saath hi zyada acha lagta hai. If you have fair medium dusky skin tone, dusky ke liye I think thoda light ho jayega, but fair medium skin tone with lip liner, this is gonna look so good. It's that one of the beautiful nude shade, the pink nude shade that I really like. The formulation is really good. It gives you this velvety feel which is very long lasting. Aapki koi bhi lip lines ko exaggerate nahi karta. It looks so flawless. I love it. I really like it. On its own bhi mujhe bahut achhi lagti hai, and apni aur lipsticks ke sath mix and match karne ke liye bhi, you know, I am a mix and match kind of person. So yeah, this is something that I would really recommend. Aapko zarur try karna chahiye if you love such shades, no? Wow. Okay, then I have this lipstick from Huda Beauty in the mini size. Now, one of you told me in the comment section kisi video ke ke Myntra pe ye Huda Beauty ki mini lipsticks available hain. Should we buy them or not? So I have these two. Ek ye hai aur ek interview shade mein bhi hai. Wo bhi acha lagta hai, but mujhe ye zyada nude pale sa shade lagta hai. So these are very creamy. These are very mini. Ya meri finger se bhi choti hai. So don't expect much out of it. It's so pigmented and creamy. This is how it looks. Bahut zyada creamy hai. It's a very nude pale pink shade without the lip liner. It looks really bad. Again, I look dead in this one, but with the lip liner this looks so good. Again, that very nude neutral sa shade jo maine honey love dikhaya tha wo thoda sa zyada nude brownish pinkish tha. Ye thoda sa pinkish peachy wala shade hai. So this looks really good. Again, with any smoky eye or the brown smoky eye, black smoky eye, kafi acha lagega. The formulation is good. It gives that velvety moussey texture that you see, and yes, mein se thodi si lux si shine rehti hi hai, and it does transfer with time. ये ट्रांसफर हो जाता है. आप इसको रीअप्लाई कर सकते हो इजिली, बट इट लुक्स सो गुड. या फिर आप अपनी लिपस्टिक्स के ऊपर इसको लेयर अप कर सकते हो. ऐसी जो लिपस्टिक्स होती है ना, व्हाट आई यूजली लाइक टू डू इट, मैं पहले नीचे लॉन्ग लास्टिंग कोई मैट लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ इसके ऊपर टू मेंटेन दिस शाइन एंड दिस टेक्सचर. मैं ये वाली लिपस्टिक्स अप्लाई कर लेती हूँ, ये वाली है शार्लेट एलब्री की, जो एकदम फ्लॉलेस सा फिनिश देती है ऊपर से, एंड आपकी लिपस्टिक काफी लक्स लगती है. सो या दिस इज अनदर शेड दैट आई रियली लाइक. एंड अगर आपको कुछ लक्स ट्राई करना है ना इन अफोर्डेबल प्राइस, यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दीज मिनी साइज if you do not mind your lipstick transferring. अगर आपको matte lipstick चाहिए, then this is not something that you can try or you can go for. Okay, then I have this lipstick जिसके बिना ये video एकदम incomplete होता. This is my all time favorite, again one of my absolute favorite lipsticks all the time. This is in the from the brand Too Faced, and this is in the shade Sell Out. It's that perfect peachy pinky nude brown shade that I love. If that's the perfect explanation. So basically, मोर ऑफ पीची एंड पिंकी शेड है ये, एंड ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है विथ ऑल द आउटफिट्स दैट आई वेयर. एंड दिस इज वेरी लॉन्ग लास्टिंग, अगेन वेरी कंफर्टेबल ऑन द लिप्स, एंड द शेड लुक सो प्रिटी. आई रियली लाइक दिस शेड. अगर आपको वॉश आउट करता है तो आप ब्राउन लिप लाइनर के साथ यूज कर सकते हो, बट दिस इज अगेन वन ऑफ दोज वेरी पॉपुलर परफेक्ट न्यूड शेड जो आई थिंक काफी ज्यादा सुंदर लगता है. अगर मुझे ब्राउनी शेड्स नहीं, पिंकी शेड्स कैरी करने हैं, सो दिस इज द कैटेगरी. लाइक पीची टोन सा थोड़ा सा, तो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक. एंड द फॉर्मुलेशन इज लिटरली बैंक ऑन. इसमें और भी शेड्स हैं इस कैटेगरी में, लाइक इस रेंज में, जो आप ट्राई आउट कर सकते हो, बिकॉज द फॉर्मुलेशन इज लिटरली टॉप नॉच. बट दिस पर्टिकुलर शेड रियली हैज माई हार्ट. इवन विदाउट द लिप लाइनर दिस लुक सो गुड ऑन मी. सो या दिस इज समथिंग दैट आई वुड रियली रिकमेंड. अगर आपको कोई टू फेस से या कोई अच्छी लक्स लिपस्टिक ट्राई करनी है तो आप ये जरूर ट्राई कर सकते हो इफ यू लव पीची टोन्स. ओके, ऑलराइटी गाइज, विद दैट आई थिंक वी आर डन. मेरी लिप्स की बैंड बच चुकी है, मैं अपने लिप्स पे कुछ भी नहीं लगा रही हूँ. सो दीज आर ऑल द लिपस्टिक्स दैट आई बीन एब्सोल्यूटली लविंग एंड माई आर लिटरली फेवरेट राइट नाउ. एंड दिस इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई द फॉर्मुलेशन everything that I've kept in mind कि आपको काफी अच्छा लगेगा. इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो दैट यू कैन चेक आउट इफ यू लाइक एनी ऑफ दिस, एंड डेफिनेटली शॉर्ट जो आपको लगी होगी. सो या दैट इज इट. आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय.